हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आईपीएल का शेड्यूल रिलीज हो चुका है। 20 से 21 दिनों के बाद यानी 22 तारीख से स्टार्ट होने वाला है भारत का सबसे बड़ा त्यौहार इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल। और आईपीएल का पहला मैच खेला जाएगा सीएसके वर्सेस आरसीबी के बीच में, चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में। तो आइए आज के वीडियो में हम जानते हैं कि क्या होने वाला है बेस्ट प्लेइंग 11 दोनों ही टीमों का, यानी कि सीएसके का और आरसीबी का जो बेस्ट प्लेइंग 11 होगा उसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो इससे पहले कि वीडियो में हम आगे बढ़ें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सीएसके के अगर स्क्वाड पर नज़र डालें तो स्क्रीन में आप देख सकते हैं सीएसके का स्क्वाड। और इस बार उन्होंने ऑक्शन में, दिसंबर में ऑक्शन हुआ था, इस बार काफ़ी अच्छा पिक उन्होंने प्लेयर्स को किया है। जो बेस्ट प्लेइंग 11 होगा सीएसके का वो इस प्रकार है। अगर ओपनर्स की बात करें तो एक नंबर पर आएंगे ऋतुराज गायकवाड़ और उनके साथ आएंगे डेवन कॉनवे। अगर डेवन कॉनवे इंजर्ड होते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में ऐसी न्यूज़ आ रही है कि डेवन कॉनवे जो है थोड़े से इंजर्ड हैं, तो अगर डेवन कॉनवे इंजर्ड होते हैं, वो शुरुआत के अगर 3-4 मैचों में फिट नहीं हो पाते हैं, तो डेवन कॉनवे की जगह आप देख सकते हैं रचिन रविंद्र को डेब्यू करते हुए, जिन्हें इस बार सीएसके ने आईपीएल में पिक किया है। तो हो सकता है कि डेवन कॉनवे की जगह आपको रचिन रविंद्र देखने को मिल सकते हैं प्लेइंग 11 में। और रचिन रविंद्र अगर खेलते हैं तो डेवन कॉनवे की जगह वो ओपनिंग करते हुए नज़र आएंगे। मगर ऐसी उम्मीद है कि डेवन कॉनवे जो हैं वो आईपीएल से पहले पूरी तरह से फिट हो जाएंगे। तीन नंबर की अगर बात करें तो तीन नंबर पे अजिंक्य रहाणे खेलेंगे, जो कि एक बैलेंस लाते हैं टीम में और एक सॉलिडेरिटी प्रदान करते हैं टीम को। और अजिंक्य रहाणे से बेहतर प्लेयर इस वक्त उनके टीम में कोई नहीं है तीन नंबर पर खेलने के लिए। और चार नंबर की अगर बात करें तो चार नंबर पर उनका जो रिसेंटली बहुत ही अच्छा पिक था डैरल मिचेल, जो पिछला वर्ल्ड कप हुआ था 50 ओवर का वर्ल्ड कप, उसमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था डैरल मिचेल ने। और वो जो है सीम गेंदबाजी भी करते हैं और काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी भी कर रहे हैं डैरल मिचेल। उनके भी इंजर्ड होने की खबर थी मगर वो पूरी तरह से फिट हो चुके हैं और फिलहाल जो ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट मैच चल रहा है उसमें खेलते हुए नजर आ रहे हैं डैरल मिचेल। तो उम्मीद है कि डैरल मिचेल खेलेंगे इस आईपीएल में और डैरल मिचेल का जगह बनता है चार नंबर पर। इसके बाद आएंगे शिवम दुबे, जो कि पाँच नंबर पर खेलते हुए नजर आएंगे। और शिवम दुबे के अगर प्रदर्शन की बात करें तो वो भी जो है काफ़ी अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे इस रणजी ट्रॉफी में। और फिलहाल शिवम दुबे इंजर्ड हैं, लेकिन उम्मीद ऐसी है कि दो सप्ताह में वो फिट हो जाएंगे और सीएसके के लिए उपलब्ध होंगे पूरे सीजन मैच खेलने के लिए। और इस साल इंपैक्ट प्लेयर के रूप में नहीं बल्कि एक प्रॉपर ऑलराउंडर के रूप में सीएसके की टीम खिलाएगी पाँच नंबर पे शिवम दुबे को। छः नंबर की बात करें तो छः नंबर पर आएंगे ऑलराउंडर, जो इंडिया के बेस्ट ऑलराउंडर में से एक हैं, रविंद्र जडेजा। और इसके बाद आएंगे कप्तान एमएस धोनी सात नंबर पर। और एमएस धोनी जो है उनका ये आखिरी आईपीएल होने वाला है जहाँ तक उम्मीद की जा रही है। और हो सकता है कि इस आईपीएल के बाद महेंद्र सिंह धोनी इस क्रिकेट को अलविदा कह दे। और इस साल महेंद्र सिंह धोनी जो हैं अपने बैट में प्राइम स्पोर्ट्स का स्टिकर लगा के खेलने वाले हैं, क्योंकि प्राइम स्पोर्ट्स उनके दोस्त का दुकान है, उनके दोस्त ने काफ़ी मदद की थी और इस कारण से एक ट्रिब्यूट रहेगा महेंद्र सिंह धोनी का उनके दोस्त परमजीत सिंह की ओर। और आठ नंबर की अगर बात करें तो शार्दुल ठाकुर को पिक किया है। पिछले सीजन में शार्दुल ठाकुर जो थे वो केकेआर में थे, मगर इस साल सीएसके ने उन्हें फिर से लिया है अपनी टीम में। और शार्दुल ठाकुर जो है निचले क्रम में अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं और जब जरूरत पड़ती है टीम को ब्रेक थ्रू दिलाने में काफ़ी मदद करते हैं, तो इस कारण से शार्दुल ठाकुर का जगह आठ नंबर पर बनता है। नौ नंबर पर आएंगे दीपक चहर, दीपक चहर भी काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं। अगर बात करें दस नंबर की तो दस नंबर पर आएंगे महेश तीक्ष्णा, जो श्रीलंका के जो मिस्ट्री स्पिनर हैं वो खेलते हुए नजर आएंगे क्योंकि काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहता है। और ग्यारह नंबर पर आएंगे मथीसा पथिराणा, जो कि मलिंगा की कॉपी हैं और काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। सीएसके की टीम में मोइन अली, मिचेल सेंटनर और समीर रिजवी, जो काफ़ी अच्छी प्राइस में बिके थे इस आईपीएल में और सीएसके ने उन्हें काफ़ी अच्छी प्राइस में पिक किया था, तो इन प्लेयर्स का जगह बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और इंपैक्ट प्लेयर्स की अगर बात करें तो सीएसके की टीम मुकेश चौधरी, जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, लेफ्ट आर्म के फास्ट बॉलर है जो स्विंग गेंदबाजी करते हैं मुकेश चौधरी, उन्हें खिला सकती है इंपैक्ट प्लेयर के रूप में। या फिर अगर मुकेश चौधरी जो हाल फिलहाल में अभी उनका कुछ न्यूज़ नहीं है क्या वो पूरी तरह से फिट हैं या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अगर मुकेश चौधरी नहीं खेलते हैं तो उनकी जगह पे तुषार देशपांडे को खिलाया जाएगा इंपैक्ट प्लेयर के रूप में। तो सीएसके की बात करें तो बेस्ट प्लेइंग 11 उनका ये होने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये सीएसके का इस आईपीएल में बेस्ट प्लेइंग 11 होने वाला है या फिर इस प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस की उम्मीद है, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तो दोस्तों सीएसके के बाद अब हम बात करते हैं आरसीबी के यानी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। फर्स्ट मैच उन्हीं का होने वाला है सीएसके के साथ 22 तारीख को। अगर स्क्वाड पे नज़र डालें तो उन्होंने भी इस आईपीएल ऑक्शन में काफ़ी अच्छे प्लेयर्स को पिक किया है। उनका जो बेस्ट प्लेइंग 11 है वो इस प्रकार हो सकता है। एक नंबर पे आएंगे किंग कोहली, यानी कि भारत के रन मशीन विराट कोहली एक नंबर पर खेलते हुए नजर आएंगे और उनके साथ कैप्टन फैफ डुप्लेसिस ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे।
हैव डू प्लेसेस, हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते नहीं है मगर जितने भी T20 लीग्स है उसमें खेलते हुए नज़र आ रहे हैं और अच्छी फॉर्म में हैं। हैव डू प्लेसेस जो हैं कप्तानी करते हुए नज़र आएंगे, उनका फिटनेस काफ़ी अच्छा है और फील्डिंग भी काफ़ी अच्छी तरह से करते हैं। तो तीन नंबर पर आएंगे रजत पाटीदार, हालांकि एक दो मैचों में उनका प्रदर्शन ठीक नहीं है मगर उम्मीद है कि वो फॉर्म में आ जाएंगे। और तीन नंबर पे RCB की ओर से खेलेंगे रजत पाटीदार। चार नंबर की बात करें तो काफ़ी बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल। मैक्सवेल ने इस वर्ल्ड कप में, जो पिछला वर्ल्ड कप हुआ था भारत में 50 ओवर का वर्ल्ड कप, उसमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था और अफगानिस्तान के साथ तो उनका प्रदर्शन काफ़ी ज़बरदस्त था और उन्होंने अकेले दम पे अफगानिस्तान की टीम को हरा दिया था। 5 नंबर की अगर बात करें तो स्क्वाड पर नज़र डालें तो 5 नंबर पर जगह बन रहा है महिपाल लोमरोर का, जो राजस्थान के प्लेयर हैं, लेफ्ट हैंडर, वो भी स्पिन कर लेते हैं। और 6 नंबर की बात करें तो विकेट कीपर दिनेश कार्तिक, जो भले ही कमेंट्री करते हुए नज़र आ रहे हैं इस इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज में, टेस्ट सीरीज जो चल रही है उसमें कमेंट्री करते हुए नज़र आ रहे हैं दिनेश कार्तिक, मगर उन्होंने अभी तक जो है IPL से संन्यास नहीं लिया है और विकेट कीपर के तौर पर खेलेंगे RCB की ओर से दिनेश कार्तिक। इसके बाद 7 नंबर पर आएंगे कैमरून ग्रीन, जो ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर है, काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिलहाल जो मैच चल रहा है ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध उसमें उन्होंने शतक जड़ा है और 170 प्लस रन्स बनाए हैं, तो काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे कैमरन ग्रीन। 7 नंबर पे RCB की ओर से खेलते हुए दिखेंगे आपको। इसके बाद 8 नंबर पे जगह बन रहा है लॉकी फर्गुसन का और इसके बाद आएंगे कर्ण शर्मा, जो लेग स्पिनर है, RCB के लिए उन्होंने काफ़ी मैच खेला है। और 10 नंबर की अगर बात करें तो 10 नंबर पे मोहम्मद सिराज, जो फास्ट बॉलर है, इंडिया के फास्ट बॉलर, वो खेलते हुए नजर आएंगे। और 11 नंबर की बात करें तो 11 नंबर पे विजय कुमार व्यासक, या फिर हो सकता है उनकी जगह पे जो रिसेंटली जो टेस्ट में डेब्यू किया था भारतीय टीम के, आकाशदीप, वो खेल सकते हैं। और रिस टोपली, विल जैक्स और टॉम करन का इस प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन पा रहा है। और इंपैक्ट प्लेयर्स के रूप में RCB जिन प्लेयर्स को खिलाएगी वो हो सकता है यश दयाल, अनुज रावत, रिस टोपली या फिर मयंक डागर, जो लेफ्ट हैंडेड स्पिनर हैं, हो सकता है कि इन्हें इंपैक्ट प्लेयर्स के रूप में RCB टीम खिलाना चाहेगी। तो ये रहा दोनों ही टीमों का जो बेस्ट प्लेइंग 11 था, CSK का और RCB का। तो आपकी नज़र से क्या है RCB और CSK का बेस्ट प्लेइंग 11, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हैं चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर दोस्तों कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए आपको इस वीडियो में तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, इन वीडियोज़ को बनाने में हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।